अस्सलाम वालेकुम स्टेट फार्मर, खुश आमदीद। आज मैं हॉक्स बे सेक्टर 12 स्कीम 42 का विज़िट करा रहा हूँ। ये सेक्टर 12 है और हॉक्स बे के एक अच्छे सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। और सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कुछ घर बन भी गए हैं और यहाँ पे इसके चार सब सेक्टर हैं, 12A, 12B, 12C और 12D। सेक्टर 12 और सेक्टर 11 ये भी बहुत अच्छा है, जैसे कि सेक्टर 3। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं, तकरीबन टोटल तकरीबन 71-72 के करीब हैं सेक्टर, 71 सेक्टर के करीब हैं तकरीबन, जिसमें से 34-35 सेक्टर की बैलेटिंग हो चुकी है। तो ये सेक्टर 12 चल रहा है और यहाँ पे भी तकरीबन 80, 120, 240 और 400 गज के प्लॉट की कैटेगरी है। ए हो गया और बी हो गया और सी हो गया, इसके जो सब ब्लॉक हैं 12A, 12B, 12C, तो उन ब्लॉक के अंदर रेट में सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, तकरीबन 50,000 का फ़र्क होगा। तो आपको और सबसे बड़ी बात यह कि समुंदर से ये सबसे ज़्यादा करीब है तकरीबन सेक्टर 12, और इस वक्त मांग भी सेक्टर 12 की है, क्योंकि टेसर टाउन के अंदर भी जो है ना कुछ सेक्टर्स की मार्केट काफ़ी चढ़ गई हैं। तो लिहाजा इस वक्त हॉक्स बे की तरफ भी कुछ थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ है, और इसके अलावा जो सेक्टर 12 और सेक्टर 3 वगैरह के अंदर घर बनना भी शुरू हो गए। तो इस हवाले से इसकी मार्केट भी ऊपर जा रही है, क्योंकि CPAC का भी सबको ही पता है कि CPAC भी अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से उठ रहा है, तो इसकी वैल्यू और ऊपर जा रही है, वरना तो यहाँ पहले कोई इसको पूछता भी नहीं था। तो ये कि अब इसकी मार्केट ऊपर चढ़ रही है, तो फाइल की कीमत आप मार्केट के अंदर चेक कर लें तो इसकी कीमत भी ऊपर जा रही है, वरना तो पहले तो कोई भी नहीं खरीद रहा था। तो सेक्टर सबसे सेक्टर 12 सबसे बेस्ट है, सेक्टर 11, सेक्टर 12 ये कि ये समुंदर से करीब है बहुत। और इसके अलावा बात करें तकरीबन यहाँ पे आपको 6-6.5 तक का आपको 80 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा, और अगर 120 गज़ के प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 8-8.5 तक में 120 गज़ का प्लॉट मिल जाता है सेक्टर 12 में। अभी के ये रेट हैं, बाकी इसके रेट 15-20 दिन के अंदर इसके रेट के अंदर वेरिएशन आती रहती है, ये रेट एक जैसे नहीं रहते। बाकी इसके अलावा आपको दूसरे सेक्टर के हवाले से भी वीडियो शेयर करेंगे बना के, और आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारी और हमारी हौसला अफजाई को बढ़ाएं। ये सेक्टर 12 है और कुछ घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और कुछ घर यहाँ बन भी चुके हैं, अभी वीडियो में आप वो भी देखेंगे, पोल वगैरह लग गए हैं। और इसके अलावा ये कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी जगह है, जैसे कि सेक्टर 11 हो गया, सेक्टर 12 हो गया, तो ये है कि और शुरू के सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेके छोड़ दिया जाए तो आने वाले वक्त में इसके रेट और ऊपर आगे जाएंगे। तो कोशिश ये होती है कि मार्केट के हवाले से जो इसके प्राइस चल रहे हैं वो मैं आपको उस हवाले से आपको अपडेट्स देता रहूँ। ये देखें घर वगैरह भी बने हुए, ये घर ये भी बना हुआ है, तो ये है कि लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, और आज अगर लेके छोड़ देंगे तो आगे आने वाले वक्त में हो सकता है इसके रेट जल्दी आगे बढ़ें, क्योंकि पहले का टाइम अलग था, पहले लोग लेके भूल जाते थे, रखते थे, पर उसके रेट आगे बढ़ते नहीं थे, क्योंकि ये भी सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है। एक घर ये भी बना हुआ आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं सेक्टर 12 के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।